हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और आप सभी का जो है एक बार पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतिम चरण पर अपन है। व्यक्तिगत भिन्नता अपना टॉपिक चल रहा था, और कुछ दिन स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जो है मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। आज आपकी क्लास पुनः प्रारंभ हो गई है। आज की क्लास में लगभग ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और हो सकता है आधे पौन घंटे की क्लास बच जाए तो अगली क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतना सही मनोविज्ञान के अंतर्गत अपना कोर्स बाकी रहा है। बाकी सारी तैयारी अपन ने कर दी, और प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने क्लास 1, 2, 3 डाल रखी है। आप आराम से वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। आपके वीडियोज जो है एग्जाम तक आपके वहीं पर पड़े रहेंगे। किसी प्रकार आप जब तक आपके रीट मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो वीडियोज आपको वहीं पर मिले रहेंगे। आप तैयारी करते रहें। प्री मेंस और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के लिए लगभग ये कोर्स जो है आपके समान रूप से उपयोगी रहेगा, है ना। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रेड 2 1 में आता है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। बाकी लगभग ये कॉमन पार्ट जो है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आज जो है अपन इस क्लास की फिर से शुरुआत करते हैं, और आशा करते हैं कि आप उसी प्यार और जोश के साथ में हमारे साथ में जुड़ोगे, और जितना प्रेम जितना स्नेह आप पहले देते आए हो उतना स्नेह हमें आगे भी मिलता रहेगा, ताकि हम उसी ऊर्जा के साथ में हम आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में हमसे जितनी मदद हो पाए हम करने में सफल हो पाए। चलिएगा, समय की अपनी सीमा है, और हम व्यक्तिगत भिन्नता में कुछ बालकों को पढ़ रहे थे, और मैंने आपको लगभग बहुत सारे बालकों के बारे में बता दिया था, जिसमें पिछड़े बालकों के बारे में भी अपन ने बात की थी, अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, है ना, मंदबुद्धि बालकों के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी। ऐसे मैंने 3-4 के ऊपर बात कर ली। आज जिस बालक के ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक टॉपिक भी है, अपने आप में एक व्यक्तिगत भिन्नता का भाग भी है, एक बुद्धि का भाग भी है, सबका भाग है, और सबको अपन उसको मिला करके एक साथ जो है अपन उनको पढ़ेंगे। वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सृजनात्मक बालकों को। भाई किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सृजनात्मक बालक, या मैं यूं कह सकता हूं कि इस टॉपिक को आप ऐसे भी लिख दो सृजनात्मकता, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, दोनों बातें एक ही है। इन दोनों को मैं आपको एक साथ पढ़ूंगा, सृजनात्मकता या सृजनात्मक बालक, है ना। सृजनात्मक बालक यदि अपन पढ़ेंगे तो सृजनात्मकता क्या होती है वो भी अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। सृजनात्मकता क्या चीज होती है, इस चीज के बारे में अपन विस्तृत चर्चा आज की क्लास में करेंगे, क्योंकि यहां से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उस कठिनाई को आज अपन सरलता में बदल देंगे। आज के बाद आपको इस सृजनात्मकता वाले टॉपिक में बात नहीं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें कि हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, पहले हमें इस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा कि ये सृजनात्मकता होती क्या है, यहां ये सृजनात्मकता किसे कहा जाता है। इस सृजनात्मकता में मूल शब्द है सृजन। मूल शब्द जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? सृजन। और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। सृजन का मतलब क्या होता है? बनाना, या सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अर्थात सृजनात्मकता का मतलब क्या हो जाएगा? तो एक साधारण अर्थ अपन यहां पे निकाल सकते हैं कि सृजनात्मकता का एक बेसिक जो मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा कि निर्माण करना, बनाना। लेकिन निर्माण तो हम कई तरीके से करते हैं। क्या सबको सृजनात्मकता कहा जाएगी? एक मजदूर मकान बनाता है, क्या उसको अपन सृजनात्मकता कहेंगे? एक कुमार मटका बनाता है, क्या अपन उसको सृजनात्मकता कहेंगे? एक सुथार जो है लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, क्या हम उसको सृजनात्मकता कहेंगे? निर्माण तो कई तरीके का होता है। क्या प्रत्येक निर्माण को सृजनात्मकता के साथ में जोड़ा जाएगा, या फिर सृजनात्मकता की परिभाषा कुछ डिफरेंस होगी, कुछ अलग होगी, है ना, कुछ अतिरिक्त होगी? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सृजनात्मकता की परिभाषा सामान्य से थोड़ी अलग होती है। और अलग क्या होती है? तो सामान्य तो अपन यहां पे देखते हैं कि सृजनात्मकता के अंतर निर्माण तो करना होता है, लेकिन वहां पे निर्माण का संबंध मौलिकता से होता है। निर्माण का संबंध जो होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों? मौलिकता से। संबंध किससे होगा? तो ध्यान रखना, संबंध जो होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों? मौलिकता से, मौलिकता से होता है।
यहां पे देखिएगा कि हमें किसी चीज का नया निर्माण करना है, हमें किसी चीज को नया बनाना है, उस नए चीज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका मौलिकता की होनी चाहिए। यदि उस नई चीज के निर्माण में यदि मौलिकता है तो हम उसको कहेंगे कि ये सृजनात्मक है, ये सृजन है, और यदि मौलिकता का अभाव है तो वो सृजन में नहीं मानी जाएगी। सामान्य तौर पर सृजनात्मकता का अर्थ अपन ये निकालते हैं कि किसी नई वस्तु का निर्माण के कुछ कुछ सृजनात्मकता का अर्थ अपन ये निकाल सकते हैं कि हम किसी वस्तु का निर्माण करना, लेकिन उस निर्माण में दो कंडीशंस जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक तो वो निर्माण नया होना चाहिए और दूसरा वो निर्माण मौलिक होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। यदि आपने किसी चीज का निर्माण किया है वो मौलिक है, नया है और उपयोगी है, यदि ये तीनों चीजें उसके अंदर एड हैं तो हम कहेंगे ये सृजनात्मकता है, ये कुछ नई चीज का निर्माण किया है। अब किसी चीज का निर्माण किया है वो नई तो है पर उपयोगी नहीं है, उसमें मौलिकता नहीं है। अब मौलिकता नहीं है और वो उपयोगी नहीं है तो फिर हम उसको सृजन की श्रेणी में नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? सृजन का मतलब भी किसी चीज का नया निर्माण करना ही होता है, लेकिन नए निर्माण के पीछे कुछ शर्तें लगी होती है। क्या शर्तें लगी होती है? पहली शर्त वो मौलिक होनी चाहिए, दूसरी शर्त वो उपयोगी होनी चाहिए, तीसरा उसका निर्माण नया होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको ये ध्यान रखना है। उसको अपन क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से सृजनात्मकता कह सकते हैं। तो अपन एक बेसिक परिभाषा यदि अपन निकाले कि बताओ सृजनात्मकता का अर्थ क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो नवीन हो, मौलिक हो तथा उपयोगी हो, यदि ये तीन कंडीशन उसके अंदर लग रही है, उपयोगी हो, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? सृजनात्मकता कहेंगे, उसको अपन कहेंगे सृजन करना कहेंगे, उसको हम कहेंगे निर्माण करना कहेंगे। अब सृजनात्मकता अपने आप में आप यूं कह सकते हो कि एक जन्मजात या अर्जित दोनों रूप में इस शक्तियों को देखा जाता है, लेकिन यदि अपन यूं बात करें कि इसके सृजनात्मकता के बीच में या सृजनात्मकता के रूप में यदि इसके बीच में अपन कुछ बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार की स्किल्स है, एक विशेष प्रकार का कौशल है जो सभी बालकों में विकसित नहीं होता। कुछ एक बालक होते हैं जिनका दिमाग, जिनकी बुद्धि, जिनकी विचार, जिनकी कल्पनाएं, जिनका चिंतन स्तर, जिनका अवबोध स्तर इस प्रक्रिया में होता है कि वो किसी नई चीज का क्या कर सके, निर्माण कर सके, किसी नई चीज को एक रूप दे सके, एक स्वरूप दे सके। ये स्किल्स प्रत्येक बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती, कुछ विशिष्ट बच्चे होते, कुछ विशेष बच्चे होते जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है, और ऐसे ही बालकों को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सृजनात्मकता कहते हैं दोस्तों, है ना। टर्मन जिसकी अपन बात करते हैं, बुद्धि के अंदर अपन ने बात की थी, एक विद्वान हुआ था टर्मन, और टर्मन की सृजनात्मकता की परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, टर्मन की परिभाषा बड़ी फेमस मानी जाती है। टर्मन सृजनात्मकता को समझाते हुए कहता है कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पादन करना ही सृजनात्मकता है, कि किसी नई चीज का पूरा हो सकता है, आंशिक हो सकता है, आंशिक का मतलब आगे अपडेट होकर के वो नया बनेगा, पूर्ण का मतलब इसमें अब कोई अपडेट नहीं होगा। तो किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन करना, किसी विषय वस्तु का पूर्ण या आंशिक रूप में निर्मित होना एक प्रकार की सृजनात्मकता है। और ये बात किसने बताई थी मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये कथन कहने वाला व्यक्ति कौन था? टर्मन था, जिसकी परिभाषा सृजनात्मकता के संदर्भ में बड़ी सही मानी जाती है, है ना। किसने कहा था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, अपन बात करने वाले टर्मन की परिभाषा की बात करते हैं। टर्मन ने क्या कहा? किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन करना, ही सृजनात्मकता है, करना ही सृजनात्मकता है। बताओ ये कथन किसने कहा था?
सृजनात्मकता है, ये कथन कहा था आपके टर्मन ने। एक तो अपन ने बड़ी सिंपल सी परिभाषा लिखी और एक अपन ने थोड़ी विशिष्ट परिभाषा लिखी जो किसी थिंकर्स के द्वारा दी गई थी, है ना। एक तो अपन ने एक सामान्य परिभाषा निकाली जो हमें समझने के लिए जरूरी होती है और एक थिंकर्स की परिभाषा लिखी जो किसने दी थी, आपके टर्मन ने दी थी। और टर्मन क्या कहता है दोस्तों, किसी वस्तु का आंशिक या पूर्ण क्या करना, उत्पादन करना ही एक प्रकार का वो सृजनात्मकता कहलाएगी। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था रूश, उसकी भी परिभाषा बड़ी फेमस है। ये दो तीन परिभाषाएं मैं आपको सृजनात्मकता के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कथन कहे हैं, मैं बड़ी साधारण तरीके से आपको वो कथन याद कराने के प्रयास करूंगा। उसके बाद अपन मेन डाटा के ऊपर जाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भागने जैसा टॉपिक नहीं है, प्रश्न आने जैसा टॉपिक है, तो इसके ऊपर अपन मेहनत जरूर करना चाहेंगे, है ना। चलिएगा, रूश एक वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता एक प्रकार की मौलिकता है। रूश क्या कहता है कि सृजनात्मकता क्या है, एक प्रकार की मौलिकता है ना, एक जो व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है, कि स्किल्स के अंतर्गत इसको अपन कह सकते हो आती है, जिसका वास्तव में काम क्या है कि किसी भी क्रिया से घटित हो सकती है। इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता एक प्रकार की या सृजनात्मकता एक मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी क्रिया से घटित हो सकती है। यानी कि व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य के दौरान कोई नई चीज का निर्माण किसी मौलिक गुण आ जाने से अपने आप हो जाता है। कई बार हमारे साथ में भी ये घटनाएं घटती है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं, काम करते करते हमारे हाथों से कुछ ऐसी चीज का निर्माण हो जाता है जो बड़ी यूनिक होती है, बड़ी अच्छी होती है, उसमें मौलिकता दिखती है और उसका हम सामान्य तौर पर उपयोग भी कर सकते हैं। हम घरेलू चीजों में ऐसे ही बहुत सारी चीजों में, जैसे लोग प्लास्टिक की बोतल से कभी घर में चार्जर का स्टैंड बना देते हैं कि इसमें रहेगा, ये मौलिकता है। इसको अपन क्या कहेंगे, एक प्रकार से मौलिकता है। कभी आपने देखा होगा पॉलिथीन की थैली में फोन डाल करके चार्जर में फंसा देते हैं, लोग कहते हैं कि फोन नीचे ना गिरे, मौलिकता है, एक नई चीज का निर्माण किया। ऐसे लोगों को भी अपन सृजनात्मक कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थिति, अपनी समस्या से लड़ने के लिए एक रास्ता निकाला है, एक क्रिया के दौरान एक उत्पाद किया है, है ना, किसी चीज का निर्माण किया है, किसी का परिणाम दिया है जिसका एक प्रयोग हो सक रहा है, जिसका एक उपयोग हो सक रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, रूश के अनुसार हमें एक कथन और याद रखना है। भाई किसके अनुसार याद रखना है, एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था, उस विद्वान का नाम था रूश। रूश क्या कहता है, सृजनात्मकता मौलिकता है, सृजनात्मकता मौलिकता है, मौलिकता है, मौलिकता है जो वास्तव में, जो वास्तव में किसी भी क्रिया के दौरान घटित हो सकती है, किसी क्रिया के दौरान दौरान घटित हो सकती है, घटित हो सकती है। ये किसने कहा था, तो ये ध्यान रखना, ये कहने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था, आपके रूस था। तो दो चीजें अपन ने यहां पे पढ़ी, एक टर्मन की परिभाषा पढ़ी। टर्मन क्या कहता है कि किसी नई वस्तु का आंशिक या पूर्ण रूप से निर्माण होना ही सृजनात्मकता है। और दूसरी बात जो आपके रूस ने कही थी, रूस क्या कहता है यहां पर कि ये एक प्रकार की मौलिकता है जो किसी भी क्रिया के दौरान जो है मेरे दोस्तों क्या हो सकती है, ये घटित हो सकती है। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों परिभाषाएं किसके द्वारा और किस तरीके से जो है इस कथन को क्या किया गया है मेरे दोस्तों, रखा गया, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों इसके बारे में कि और अपन बात करते, एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था स्किनर। स्किनर कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रकार का साहसिक चिंतन है। स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि सृजनात्मकता क्या है, तो यह कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रकार का साहसिक चिंतन है। साहसिक, सृजनात्मकता क्या है मेरे दोस्तों, साहसिक चिंतन। साहसिक चिंतन का मतलब होता है साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा किया गया
चिंतन जो है वो एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्तों, सृजनात्मकता है। तो एक लाइन में इस परिभाषा को अपन याद रख सकते हैं कि किसने सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन कहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, आपके स्किनर था, जिसने इसको क्या कहा था, साहसिक चिंतन। तीन कथन हो गए हमारे सामने, अब एक टर्मन का हो गया, एक रूस का हो गया, और एक सिंपल सा कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा। एक परिभाषा यहां पे और आती है जो सृजनात्मकता के बारे में कही जाती है। सृजनात्मकता एक प्रकार से परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्या परिभाषा है? परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है कि आप किसी प्रोसेस को, किसी क्रिया को उस निष्पादन तक लेकर के जा रहे हो जहां पे वो पूर्ण होने वाली है, जो एक परिणाम में बदलने वाली है, जो एक उत्पाद में बदलने वाली है। उस क्रिया को उत्पाद तक ले जाने की जो मानसिक क्रिया है, उसी मानसिक क्रिया को क्या कहा जाता है, आपके सृजनात्मकता कहा जाता है। और ये बात कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बर्टलैंड। बर्टलैंड की यह परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है कि परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया ही क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता कहलाएगी। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपको याद रखना है बर्टलैंड का, भाई एक विद्वान हुआ था जिसका नाम क्या था, विद्वान का नाम है बर्टलैंड। विद्वान का क्या नाम है? बर्टलैंड। और बर्टलैंड क्या कहता है आपके सृजनात्मकता के बारे में? यह कहता है परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया, परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया ही सृजनात्मकता है। मानसिक क्रिया ही सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता है। कितने कथन हो गए हैं अपने पास में? चार पांच कथन। देखो एक एक कथन को वापस दोहराते हैं, ये कथन याद रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपन ने बात की थी टर्मन की। टर्मन कहता है कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक रूप में उत्पाद होना क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगी, अपन ने बात की थी। फिर रूस की अपन ने बात की थी कि सृजनात्मकता एक मौलिकता है जो वास्तविकता में किसी भी क्रिया के साथ में जो है घटित हो सकती है। फिर अपन ने स्किनर की बात की, स्किनर कहता है कि ये एक प्रकार का साहसिक चिंतन है ना, एक प्रकार का हिम्मत वाला चिंतन है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता वही कर सकता है, जिसके अंदर एक सृजन की स्किल्स हो, एक सृजन का क्या हो मेरे दोस्तों, कौशल हो। उसके बाद में बर्टलैंड की परिभाषा अपन ने पढ़ी कि परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया का नाम क्या है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको एक पहले परिभाषा लिखी थी जिसमें एक स्टेटमेंट्स मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि सृजनात्मकता का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निर्माण नया होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। यहीं से एक परिभाषा निकल करके आती है स्टेन की, और स्टेन यहां पे एक परिभाषा देते हुए कहता है सृजनात्मकता के बारे में कि किसी भी प्रक्रिया का परिणाम नवीन और उपयोगी है तब तो हम उसको मानेंगे कि ये एक प्रकार की सृजनात्मकता है। कि किसी भी प्रक्रिया का परिणाम कैसा होना चाहिए, किसी भी प्रक्रिया का परिणाम एक तो नया होना चाहिए और नए के साथ साथ में क्या होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। ये आपके स्टेन और बर्ट की परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है। क्या परिभाषा है मेरे दोस्तों? कि किसी भी प्रक्रिया का परिणाम नवीन और उपयोगी हो उसी को हम क्या कहेंगे, सृजनात्मकता का, जो अभी अपन ने इंट्रोडक्शन में भी इस परिभाषा को पढ़ा था। तो स्टेन बर्ट के अनुसार क्या है मेरे दोस्तों, दो लोगों के नाम यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। वैसे स्टेन का याद रखना, मेन परिभाषा ये इसी की है स्टेन की, कभी कभी विकल्प में आप बर्ट याद रख सकते हो, है ना, बाकी स्टेन की परिभाषा है ये। क्या कहता है? किसी प्रक्रिया का परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो तो क्या कहलाएगी, आपकी सृजनात्मकता कहलाएगी। ये बात किसने कही थी मेरे दोस्तों? स्टेन ने कही थी। भाई किसने कही थी मेरे दोस्तों? स्टेन ने। तो क्या परिभाषा आप स्टेन की याद रखोगे मेरे दोस्तों? तो आपको ये परिभाषा यहां पे जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, कि यदि किसी प्रक्रिया का परिणाम नया है और उसके साथ साथ में उस वो परिणाम उपयोगी भी है,
जीवन में उसका उपयोग भी किया जा सकता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे मेरे दोस्तों? सृजनात्मकता के नाम से। पांच स्टेटमेंट्स अभी तक मैंने आपको बताए, टर्मन का बताया, रूस का बताया, स्किनर का बताया, बर्टलैंड का बताया, और उसके बाद में आपको स्टेन का बताया। ये चार पांच कथन तो आपको याद रखने, उसके बाद भी मैंने आपको कुछ चीजें और बतानी है जो भी आपको याद रखनी है। एक विद्वान हुआ था रोजर रेमस्टीन, दो लोग थे, कुछ कथन इनके आपको छोटे छोटे कथन से जिसके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, सामान्य सामान्य बातें याद रखनी। दो विद्वान थे, एक का नाम था रोजर और रोजर के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था स्टीन। रोजर व स्टीन के अनुसार, रोजर व स्टीन के अनुसार, इनके अनुसार सृजनात्मकता क्या है? तो ध्यान रखना, इनके अनुसार सृजनात्मकता एक प्रकार का उत्पादन है, एक प्रकार का रिजल्ट्स है, एक प्रकार का परिणाम है। कि किसने कहा था कि सृजनात्मकता उत्पादन है? तो सृजनात्मकता को उत्पादन कहने वाले दो लोग थे, एक का नाम था रोजर और दूसरे का नाम क्या था? स्टीन। तो रोजर और स्टीन के अनुसार क्या कहोगे? सृजनात्मकता एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्तों? उत्पादन है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था टोरेंस, टोरेंस विद्वान का क्या नाम है मेरे दोस्तों? टोरेंस। इसका परीक्षण भी दिया था इन्होंने सृजनात्मकता का, टोरेंस ने। टोरेंस, टोरेंस कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्या है? तो यह कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्तों? तो यह कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है। यह बताना है ना, किसने कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार की प्रक्रिया है? टोरेंस ने। किसने कहा था कि सृजनात्मकता उत्पादन है? तो रोजर और स्टीन्स के नाम हमें यहां पे क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था डार्विन। डार्विन ने यह कहा था कि सृजनात्मकता एक जीवन शक्ति है, एक दैहिक एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्तों? जीवन की एक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास में नहीं रहती। ये किसने कहा था? डार्विन ने। ये छोटे छोटे कथन है जो आपको याद रखने। आपको पूछ ले डार्विन ने क्या कहा था, तो डार्विन ने कहा सृजनात्मकता को जीवन की शक्ति, सृजनात्मकता जीवन शक्ति है। सृजनात्मकता क्या है? तो इन्होंने कहा था सृजनात्मकता जीवन शक्ति है, जीवन की एक शक्ति है, एक पावर है, एक कौशल है, एक स्किल्स है। यह बात आपके किसने कही थी मेरे दोस्तों? डार्विन ने। तो ध्यान रखना, उत्पादन किसने कहा? रोजर स्टीन्स ने। प्रक्रिया किसने कहा? टोरेंस ने। डार्विन ने क्या कहा? यह एक प्रकार की हमारी जीवन शक्ति है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था जिसको बहुत सारे नील से भी कहते, इसका रियल नाम है नित्य। नित्य ने यह कथन कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार का पागलपन है, क्योंकि सृजनात्मक बालकों की एक खास बात होती है, यदि उनको यह महसूस हो जाए कि यह प्रक्रिया परिणाम में बदल सकती है, तो वो कुछ भी हो जाए, उसके पीछे कुछ भी करना पड़े, वो अंधी मेहनत करके उस प्रक्रिया को परिणाम में बदल देते हैं। और प्रक्रिया को परिणाम में बदलने के लिए व्यक्ति का अंधा होकर में होकर के उसके पीछे लग जाना, ये इस बात को दर्शाता है कि सृजनात्मकता कहीं ना कहीं पागलपन को स्वीकार करती है कि रुकना नहीं है जब तक उसके पीछे इतना पागल हो जाना है कि जब तक वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक वो उत्पाद में कन्वर्ट ना हो जाए। ये बात किसने कही थी मेरे दोस्तों? नित्य ने कही थी। किसने कहा था? नील से लिखते बहुत सारे, इसका नाम मैं दोनों लिख देता हूं, नित्य इसका नाम है, बहुत सारे लोग इसका नाम नील से लिखते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने क्या कथन कहा था? तो ध्यान रखना, इनके अनुसार सृजनात्मकता एक पागलपन है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता एक पागलपन है, पागलपन है। आज मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं सृजनात्मकता ऐसी पढ़ाऊंगा कि आप जीवन में याद रखोगे कि वास्तविकता में यह टॉपिक ऐसे पढ़ा जाता है और इसमें इतना कंटेंट भी आता है, यह भी अपन को आज पता चलेगा। तो आपको पूछ ले कि किसने कहा, तो यह ध्यान रखना। ये एक विद्वान हुआ था कांट, ना विद्वान का नाम था कांट। कांट कहता है कि सृजनात्मकता एक व्यक्ति का अंतर्ज्ञान है जो अंदर से ही उपजता है, कि सृजनात्मकता का संबंध कोई बाहर से नहीं है। किसके अनुसार? कांट के अनुसार। कांट कहता है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर
अंदर से कुछ ज्ञान होती है, कुछ ऊर्जा होती है, कुछ शक्ति होती है, उनके अंदर से ही कोई ज्ञान उपजता है और उसी ज्ञान के आधार पर वो किसी प्रक्रिया को परिणाम तक लेकर के जाते हैं। तो कांट के अनुसार सृजनात्मकता एक प्रकार का अंतर ज्ञान है। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ कांट ने क्या कहा, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, कांट ने यहां पे कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार का अंतर ज्ञान है। क्या है मेरे दोस्तों? सृजनात्मकता अंतर ज्ञान है। अंतर ज्ञान का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? अंदर से उपजा हुआ एक ज्ञान है, हमारे अंदर से ही एक शक्ति निकली, एक ऊर्जा दी, और जिसकी वजह से हम कुछ नया कर पाए, जिसकी वजह से हमारी मौलिकता ने क्या लिया मेरे दोस्तों? जन्म लिया। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखना, यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेटो, जो एक दार्शनिक है, प्लेटो एक दार्शनिक था, उनकी विचारधारा सृजनात्मकता को लेकर के थोड़ी सी अलग है। प्लेटो ये कहता है कि सृजनात्मकता क्या होती, तो वो कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रकार की दिव्य प्रेरणा है। ईश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति को एक विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि ये कुछ खास कर सकता है, उन्हीं लोगों के पास में सृजनात्मकता होती है, सभी लोगों के पास में नहीं होती है। मतलब एक यूं कह सकते हो कि एक प्रकृति ने, इस नेचर ने, इस ईश्वर ने, है ना, एक मोटिवेट किया है एक व्यक्ति को कि तुम किसी नई चीज का निर्माण कर सकते हो, उसी के अंदर सृजनात्मकता आई है। तो प्लेटो कहता है कि सृजनात्मकता कोई आम चीज नहीं है, ये एक प्रकार की दैवीय प्रेरणा है, ईश्वरीय प्रेरणा है, कि भगवान के द्वारा उसको कोई प्रेरणा मिली और उसने किसी नई चीज का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो आपको पूछ ले कि प्लेटो के अनुसार सृजनात्मकता क्या है भाई, किसके अनुसार पूछ ले मेरे दोस्तों? प्लेटो के अनुसार। तो ध्यान रखना, यदि आपको प्लेटो के अनुसार पूछ ले तो ध्यान रखना, इनके अनुसार सृजनात्मकता दिव्य प्रेरणा है। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता क्या है मेरे दोस्तों? दिव्य प्रेरणा है, दिव्य प्रेरणा है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त एक प्रकार की शक्ति है, जिसको अपन क्या कहते हैं? दैवीय प्रेरणा है। यह बात किसने कही थी मेरे दोस्तों? तो यह बात कही थी आपके प्लेटो ने, याद रह जाएगा। दो कथन में आपको और बताना चाहूंगा, एक तो जॉन ड्यूवी का है ना, जॉन ड्यूवी ने भी बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी कि सृजनात्मकता एक प्रकार की उत्तम कला है, एक प्रकार से एक लेवल का आर्ट है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती है। उत्तम कला, उत्तम कला का मतलब क्या हो गया? एक बहुत अच्छा आर्ट, एक बहुत अच्छी कला जो है, उसी को अपन क्या कहेंगे? सृजनात्मकता। और एक कथन याद रखना बेरन का, बेरन ने कहा था कि सृजनात्मकता एक प्रकार की मौलिकता है, है ना, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। तो ये दो छोटे छोटे कथन अपन को क्या करने हैं इसके संदर्भ में और याद रखने हैं। कौन कौन से कथन याद रखने हैं? पहला तो याद रखना है आपको जॉन ड्यूवी का भी। किसका याद रखोगे? जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी। और एक कथन अपन को और याद रखना है, वो किसका रखना है? बेरन। दो कथन यहां पर अपन को क्या रखने हैं मेरे दोस्तों? याद रखने हैं। जॉन ड्यूवी तो क्या कहता है कि सृजनात्मकता एक उत्तम कला है, सृजनात्मकता एक उत्तम कला है, सृजनात्मकता एक प्रकार की क्या है मेरे दोस्तों? तो सृजनात्मकता एक प्रकार की उत्तम कला है। और बेरन क्या कहता है? बेरन कहता है कि सृजनात्मकता मौलिकता है। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता मौलिकता है। ये से प्रश्न बहुत बार आते हैं मेरे दोस्तों कि सृजनात्मकता के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा। तो मैंने आपको 5-7 स्टेटमेंट्स जो सबसे बड़े बड़े और महत्वपूर्ण थे वो मैंने लिखाने का क्या किया मेरे दोस्तों? प्रयास किया। एक बार अपन शुरू से देखते हैं, है ना। एक तो अपन ने सिंपल परिभाषा अपनी तरफ से लिखी, जिसको अपन कंसेप्ट के रूप में जिसको समझना है वो हमने अपने हिसाब से लिखी कि ये इस जिसका निर्माण, इसका संबंध मौलिकता से है, ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो नवीन हो, मौलिक हो और उपयोगी हो, ऐसी चीजों को अपन क्या कहते हैं? अपन सृजन कहते हैं। फिर अपन ने कुछ परिभाषा लिखी, एक टर्मन की परिभाषा लिखी थी सबसे पहले कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन करना ही सृजनात्मकता है। फिर अपन ने एक रूस की परिभाषा लिखी कि सृजनात्मकता एक मौलिकता है जो वास्तव में किसी क्रिया के दौरान घटित हो सकती है। स्किनर कहता है कि सृजनात्मकता एक प्रकार का साहसिक चिंतन है। बर्ट कहता है कि परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया का नाम क्या है मेरे दोस्तों? सृजनात्मकता है। स्टेन और वर्ट के अनुसार एक है कि किसी प्रक्रिया का परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो, उसी को अपन सृजनात्मकता कहेंगे, है ना। रोजर और स्टीन ने सृजनात्मकता को उत्पादन कहा,
टॉरेंस ने सृजनात्मकता को प्रक्रिया कहा, डार्विन ने सृजनात्मकता को जीवन की शक्ति कहा, नित्थे ने सृजनात्मकता को पागलपन कहा, कांट ने सृजनात्मकता को अंतर्ज्ञान कहा, प्लेटो ने सृजनात्मकता को दैवीय प्रेरणा कहा, जियोन ड्यूवी ने सृजनात्मकता को एक उत्तम कला कहा और बैरन ने सृजनात्मकता को मौलिकता कहा। ये कथन आपको इनके बारे में क्या रखने होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखने हैं, या इनके बारे में आपको ये चीजें थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर? तो किस किस ने क्या क्या कथन दिया, एक बार ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन और सृजनात्मकता के बारे में और बात करते हैं। सृजनात्मकता के बारे में दूसरी अपन जो इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पर अपन क्या बात करने के लिए जा रहे हैं, सृजनात्मकता के चरण या सृजनात्मकता के सोपान या सृजनात्मकता के पद। ये भी बड़ी चीज है, दो तरीके से मैं इनको बताऊंगा क्योंकि पिछली बार भी इसमें से प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा सही तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हेडिंग लगाना, सृजनात्मकता के पद चरण या सोपान, सृजनात्मकता के पद या इसको चरण या इसको अपन क्या कह सकते हैं, सोपान। पद चरण या अपन क्या कह सकते हैं, इनको सोपान भी कह सकते हैं। कितने पद, कितने चरण और कितने इनके सोपान होते हैं। अब यहां पे देखिएगा, दो चीजें आपको यहां पे क्या रखनी है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको साधारण सोपान पढ़ने जो कौन से माने जाते हैं, और एक रिली और लेविस के अनुसार पढ़ने, क्योंकि रिली और लेविस ने इनके सोपान अलग बताए हैं, बाकी सभी लोगों ने लगभग जो सामान्य सोपान है, जो सामान्य इनके चरण है, उन्हीं चरण को इन्होंने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो पहले तो अपन सामान्य पद पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अपन किसके पढ़ लेंगे। सामान्य सोपान की यदि बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहला सोपान आते हैं तैयारी या आयोजन करना। पहला सोपान क्या आता है मेरे दोस्तों, सबसे पहला सोपान आता है तैयारी या आयोजन। इसको तैयारी और क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, आयोजन। इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया है, इसको तैयारी भी कहते हैं, और तैयारी के साथ में अपन इसको और किस नाम से जान सकते, तो तैयारी के साथ में अपन इसको क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, आयोजन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, इसको खुद क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्रस्तावना भी कहते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है पहले चरण में। पहला जो सोपान आएगा, पहला सोपान के अंतर्गत उसको अपन तैयारी भी कह सकते हैं, इसको अपन आयोजन भी कह सकते हैं, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना। चरण का मतलब सृजनात्मकता इसी चरण में होते हुए आगे निकलती है। जब किसी बालक को यह लगता है, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे किसी प्रक्रिया या किसी समस्या का समाधान करना है और मुझे किसी नई चीज का निर्माण करना है, तो वो सबसे पहले तैयारी करना शुरू करता है ना। तैयारी कर, प्रस्तावना का मतलब मूल चीजें जो चाहिए उसको वो क्या करता है, एकत्र करता है। यानी कि यहां पर इस सोपान के अंतर्गत बालक तथ्यों को एकत्रित करना प्रारंभ करता है ना। जो आंकड़े उनको चाहिए होता है, उन आंकड़ों को वो क्या करता है मेरे दोस्तों, इकट्ठे करता है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि यहां पे वो क्या करेगा मेरे दोस्तों, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन। पहले सोपान के अंतर्गत बालक क्या करता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, पहले सोपान के अंतर्गत बालक तथ्यों का संकलन करना जो है दोस्तों क्या करता है, प्रारंभ करता है, तथ्यों को एकत्रित करना प्रारंभ करता है। जो जो डाटा उनको चाहिए होगा, भी समस्या समाधान के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती वो पहले सोपान के अंदर उसको क्या करता है मेरे दोस्तों, इकट्ठा करता है, जिसको अपन तैयारी आयोजन या फिर इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं आपके, प्रस्तावना। दूसरा सोपान आता है जिसको अपन उद्भवन कहते हैं या विश्रांति। दूसरा सोपान जो आता है उसका क्या नाम है, इसको आपके उद्भवन भी कहते हैं या इसको क्या कहा जाता है, विश्रांति। उद्भवन या विश्रांति, विश्रांति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आराम करना या एक तरीके से व्यक्ति का क्या कर लेना मेरे दोस्तों, यहां पर ठहर जाना क्या कहलाएगा आपके, विश्रांति कहलाएगा। पहला प्रस्तावना, उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा। हाँ, इनके बहुत सारे नाम आपके और भी दिए, इसको उष्मायन भी कहा जाता है, इसको उष्मायन भी कहा जाता है भाई, इसको क्या कहा जाता है आपके, उष्मायन भी कहा जाता है ना, इसको उष्मायन भी कहा जाता है ना। बहुत सारे इसका नाम है, कुछ लोग इसको डिम्बोषण भी कहते हैं, बहुत सारे इसका नाम जो है रखे हुए हैं, लेकिन आपको ये विश्रांति और उद्भवन नाम जो है
विश्रांति या फिर इसका क्या नाम याद रखना है आपको, ये आपको नाम याद रखना है, डिम्बोषण भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको, अलग अलग इनके बहुत सारे नाम है, आपको उद्भवन या विश्रांति याद रखना है, वही मेन होगा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक जैसे ही किसी चीज की खोज करने के लिए आगे निकलता है, किसी चीज की समस्या का समाधान करने के लिए आगे निकलता है, तो कई बार क्या होता है कि उसको समाधान मिल नहीं पाता है। वो सृजनात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप प्रक्रिया में लग गए तो कल ही आपको कोई समाधान मिल जाएगा, या कल ही आप किसी रिजल्ट्स पर पहुंच जाओगे, कल ही किसी नई चीज का निर्माण कर लोगे, ऐसा स्वाभाविक नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है उसको परिणाम नहीं मिलता है ना, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक बार शांत हो जाता है। विश्रांति का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, है ना, एक बार समाधान नहीं मिलने पर वो एक तरीके से विचार करना रुक जाता है कि अब इसको थोड़ी देर रिलैक्स कर दिया जाए, फिर इसके ऊपर सोचेंगे, नहीं मिल पाता है। तो दूसरे सोपान में क्या कहलाएगा, तो दूसरे सोपान में आपको ध्यान रखना है, समाधान नहीं मिलने पर, समाधान नहीं मिलने पर चिंतन का रुक जाना, मिलने पर चिंतन बंद कर देना या विचार बंद कर देना, चिंतन बंद कर देना। अब व्यक्ति इसके ऊपर विचार करेगा ही नहीं, एक बार इस चिंतन को इसने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, यहां पे छोड़ दिया है कि अब ये इसके बारे में कोई भी बात करना ही नहीं चाहता, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले के अंदर तो तथ्यों को एकत्रित कर रहा है, और दूसरे के अंदर क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, विश्रांति। तीसरे नंबर पर आता है प्रबोधन करना, तीसरे नंबर का जो सोपान आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, प्रबोधन। तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है आपके प्रबोधन। विश्रांति के बाद जो सोपान आता है, विश्रांति के तुरंत बाद जो आता है उसको अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्रबोधन भी कहते हैं, इसको प्रदीप्ति भी कहते हैं, इसको प्रभासन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसको, है ना, प्रदीप्ति या प्रभासन भी कहते हैं, प्रदीप्ति या इसको क्या कहते हैं अपन, प्रभासन भी कहते हैं, प्रभासन, प्रभासन भी कहते हैं, प्रबोधन भी कहते हैं, प्रदीप्ति भी कहते हैं, और इसको अपन किस नाम से जानते, तो इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं कि इसको अपन किस नाम से कह सकते हैं, इसको प्रभासन भी कहा जाता है। प्रभासन विश्रांति के तुरंत बाद आता है, कि जब व्यक्ति उसके ऊपर चिंतन करना बंद कर देता है, तो आपको पता है कि चिंतन वो प्रत्यक्ष रूप से करना बंद करता है। हमारे अचेतन मन में चिंतन चलता रहता है, हम किसी समस्या के ऊपर यदि हमने एक बार काम करना प्रारंभ कर दिया, हमें भले ही उसका समाधान नहीं मिला, तो समाधान नहीं मिलने पर हम कोई वहां पर रुक नहीं जाते, हमारा चिंतन स्तर जो होगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, आगे चलता रहता है। अब चेतन मन अपने आप में उसके ऊपर चिंतन करता रहता है, और फिर अचानक से एक सूझ आती है, अचानक से एक ऐसा आइडिया आता है, अचानक से एक ऐसा विचार आता है जिससे उस समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो अचानक से सूझ आना, ये अचानक से विचार आना, या अचानक से किसी आइडिया का हमारे अंदर आना, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा अवचेतन मन प्रोसेस कर रहा था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के ऊपर विचार कर रहा था। तो अवचेतन मन क्या करता रहता है, सोचता रहता है विश्रांति के बाद, और विश्रांति के तुरंत बाद में क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, प्रबोधन आ जाता है, जिससे क्या मिल जाता है मेरे दोस्तों, उसको अचानक से किसी समस्या का समाधान मिल जाता है। किसी समस्या का समाधान कैसे होगा, यह विचार आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इस सोपान के अंतर्गत समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है, या समस्या समाधान का विचार आ जाता है, समस्या समाधान का विचार आना। विचार अचानक से आता है, आकस्मिक आता है, ये पहले अपन ने अधिगम में भी पढ़ा था कि सूझ जो होती है वो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, वो कैसे होती है मेरे दोस्तों, आकस्मिक उत्पन्न होती है, अचानक से उत्पन्न होती है ना, ये आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। तो टोटल कितने सोपान हो गए अभी हमारे पास में, तो टोटल हमारे पास में सोपान हो गए तीन। सबसे पहले आयोजन करेगा, उसके बाद में विश्रांति होगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रबोधन, और अंतिम सोपान आता है जिसको अपन कहते हैं प्रमाणीकरण करना या सत्यापन करना। चौथे नंबर पर जो सोपान आएगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रमाणीकरण करना या सत्यापन करना, प्रमाणीकरण या सत्यापन, प्रमाणीकरण, या इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना इसको प्रमाणीकरण भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आपके, इसको सत्यापन भी कहते हैं, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण भी कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे अपन, तो बेटा तो बीच में आ क्यों रहा था और नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी तो बीच, चलो ऊपर चला जाओ, मैं आ रहा हूं फिर थोड़ी देर में, ऊपर चला जा, ऐसे घूमेगा तो लगेगी फिर, छोटी सी भांजी है ना, बीच बीच में चल रही थी, मैंने हाथ नीचे लिया उसके सर के लग गई, है ना। तो ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं अपन,
प्रमाणीकरण या फिर क्या कहते हैं इसको, सत्यापन भी कहते हैं। प्रमाणीकरण करना भी कहा जाता है इसको, और इसको क्या कहा जाता है, सत्यापन। सत्यापन का मतलब क्या होता है कि हमने जिस समस्या का समाधान किया है ना, उस तरीके से उस समस्या के समाधान को संशोधित करना या उसको संवारना, उसको बेहतरीन बनाना, ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए, प्रमाणीकरण कर देना कि इस हिसाब से यह हुआ। तो इसमें अपन क्या करते हैं, समाधान को संवारते हैं या समाधान का संशोधन करते हैं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, समाधान का संशोधन करके संवारना, समाधान का संशोधन करके संवारना, करके संवारना, संशोधन करके क्या करना मेरे दोस्तों, संवारना। ये आपके चार सोपान आपके सामान्य माने जाते हैं सृजनात्मकता के, जो आपको याद रखने। कौन कौन से, सबसे पहले तैयारी या आयोजन, तथ्यों को एकत्रित करना, फिर आपके उद्भवन या इसको अपन कहते हैं विश्रांति, समस्या समाधान न मिलने पर चिंतन को बंद कर देना, फिर प्रबोधन, अचानक से किसी समस्या का समाधान आना, फिर प्रमाणीकरण या इसको अपन कहते हैं नियमीकरण, या फिर इसको अपन कह सकते हैं एक तरीके से सत्यापन करना, जिसके अंतर्गत हम उसमें जो भी संभावित संशोधन है वो संशोधन करके और उस समस्या समाधान को संवार कर और एक सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये एक नई मौलिक और उपयोगी चीज है। इस चार सोपान के अंतर्गत आपको गुजरना पड़ता है। ये बात किसने बताई थी मेरे दोस्तों, तो ये बात सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक बार क्या किया है, स्वीकार किया है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को एक बार क्या किया है मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट किया है। तो आपको यहां पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये तो हो गए आपके सामान्य सोपान भी, कौन से सोपान हो गए, सामान्य सोपान। अब मैंने आपको यह कहा था कि आपको एक और सोपान याद रखने, दो विद्वान हुए थे रिली तथा लेविस, है ना, इनके परिभाषा भी आपको जो है दोस्तों याद रखना है। रिली तथा लेविस के अनुसार सृजनात्मकता के सोपान, रिली तथा लेविस के अनुसार, लेविस के अनुसार, अनुसार सृजनात्मकता के सोपान, सृजनात्मकता के सोपान। इन्होंने 9 सोपान बताए मेरे दोस्तों, इन्होंने जो सोपान की संख्या बताई वो कितनी बताई मेरे दोस्तों, 9 सोपान बताए। सामान्यतः सृजनात्मकता के जो सोपान होते हैं उनकी संख्याएं कितनी थी, 4 जो हमने अभी पढ़ ली, लेकिन रिली और लेविस ने सृजनात्मकता की जो संख्या बताई, जो सोपानों की जो संख्या बताई वो कितनी बताई मेरे दोस्तों, 9 बताई। सबसे पहला बताया समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना, समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षण, समस्या का प्रत्यक्षण, समस्या का प्रत्यक्षण करना, प्रत्यक्षण। समस्या का प्रत्यक्षण का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो आप समस्या को समझो कि समस्या क्या है, प्रत्यक्षीकरण करो, क्यों आई, किस लिए आई, क्या हो सकता है, ये सारा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि समस्या का क्या किया जाए मेरे दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण किया जाए, समस्या का प्रत्यक्षण किया जाए। तो सबसे पहला काम जो आता है वो क्या आता है मेरे दोस्तों, समस्या का प्रत्यक्षण करना। दूसरे नंबर पर बताया समस्या का परिवर्तन करना, कि ऐसा कोई साधारण रास्ता है जो इस समस्या का, इस समस्या के लिए उपयोगी हो सकता है, तो फिर उसके लिए हमें नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कोई मार्ग नहीं मिल रहा है कि जिसके द्वारा उस समस्या को निपटाया जा सके या जिसके द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सके, तो फिर उसके लिए हमें समस्या का परिवर्तन करना पड़ता है। तो इन्होंने दूसरा सोपान जो बताया उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, समस्या का परिवर्तन करना। पहला तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण करना, दूसरा क्या हो जाएगा, समस्या का परिवर्तन करना, समस्या का परिवर्तन। पहला सोपान तो क्या हो जाएगा, तो पहला सोपान प्रत्यक्षीकरण का होगा और दूसरे सोपान के अंतर्गत हम उसको क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, परिवर्तित कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आता है निर्णय को निलंबित करना, निलंबित करने का मतलब यह हो गया कि एक बार के लिए उस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना, जो परिणाम तक हमें जाना है। तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, पहला समस्या का प्रत्यक्षीकरण, दूसरा समस्या का क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और तीसरे नंबर पर अपन उसको क्या करेंगे, एक तरीके से निलंबित करेंगे भाई, क्या करेंगे, निलंबित। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा समस्या का निलंबन करना या निर्णय का निलंबन करना, ऐसा लिख दो, निर्णय निलंबित करना, निर्णय निलंबित करना। 9 सोपान बताएं, ध्यान रखना, निलंबित करना। कितने सोपान बताए इन्होंने, टोटल 9 सोपान बताए। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला बताना है आपको प्रत्यक्षीकरण, दूसरा कौन सा हो जाएगा परिवर्तन, तीसरा कौन सा हो जाएगा निर्णय का
निलंबित करना। और चौथे नंबर पर यहां पे भी यही आएगा, उद्बोधन उद्भवन का प्रभाव या विश्रांति, अभी अपन ने पढ़ा था। चौथा सोपान इनके लिए भी कौन सा हो जाएगा, उद्भवन का प्रभाव। उद्भवन का प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि यदि अपन को परिणाम नहीं मिल रहा है तो हम कौन सी अवस्था में चले जाएंगे, विश्रांति की अवस्था में, अचेतन मन को बता करके छोड़ देंगे, वो उसके ऊपर प्रोसेस करता रहेगा, वो उसके ऊपर काम करता रहेगा। उद्भवन का मतलब सही परिणाम नहीं मिलने पर उसके ऊपर एक बार चिंतन को क्या कर देना, रोक देना, है ना। ये आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है ना, उसको कहलाएगा आपके विश्रांति। तो ये आपके चौथे नंबर पर उद्भवन का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर पांचवें नंबर पर आता है वही प्रबोधन, किसी एक ऐसे विचार में बंध जाना जिससे समस्या का समाधान हो जाए या जिससे हम समस्या का समाधान कर लेंगे, इसको कहा जाता है किसी एक विचार में अपने आप को बांध देना, वो एक प्रकार से प्रबोधन ही कहलाएगा। तो पांचवें नंबर पर क्या आएगा, किसी एक विचार में बंध जाना, किसी एक विचार में बंध जाना, यानी एक ऐसा विचार जिससे समस्या का समाधान होगा, ऐसे विचार में बंध जाना या अपने आप को लोक कर देना, ऐसे विचार में अपने आप को बंध जाना या अपन क्या कह सकते हैं, अपने आप को लोक कर देना, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है परिणामों की अटकलबाजी, यानी कि आपको छठे नंबर पर जब आप किसी एक परिणाम में अपने आप को बंध जाते हो तो आप उस परिणाम या उस रिजल्ट्स या उस विचार को अपनी समस्या के ऊपर अप्लाइड करते हो ना, तो आप जब उस समस्या के ऊपर अपने उस विचार को लगाते हो तो कई प्रकार की आपको अलग अलग टेक्निक्स लगानी पड़ती है जिससे परिणाम विशुद्ध और सही आए। तो हम परिणामों की अटकलबाजी करते कि कहां इस विचार को सेट करें, क्या घुमाना है, क्या बदलना है, पूरी प्रोसेस ही बदल जाती है कभी कभी। तो जैसे शुरुआत से लेकर के अभी तक अपने कुछ मेहनत की, फिर हम विश्रांति पे चले गए, फिर कोई विचार आया, अरे इस विचार से ये हो तो जाएगा, लेकिन पहले जो अपन ने प्रक्रिया कर रखी उसमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, वो बदलने को कहा जाता है अटकलबाजी। तो इसको कहा जाता है आपके परिणाम की अटकलबाजी करना, है ना, छठे नंबर पर परिणाम की अटकलबाजी, परिणाम की अटकलबाजी, अटकलबाजी परिणाम की क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना परिणाम की अटकलबाजी कहलाएगी। यह भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह कौन सा सोपान हो जाएगा आपके छठे नंबर का, पहले नंबर पर प्रत्यक्षीकरण, दूसरे पे परिवर्तन, तीसरे पर निलंबित, चौथे पर उद्भवन, पांचवें में विचार पर बन जाना, और छठे में क्या हो जाएगा आपके अटकलबाजी। अटकलबाजी के बाद हम एक उत्तम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, है ना, हम पूरा आइडिया लगा करके एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या एक ऐसे निर्णय पर पहुंचते हैं कि हाँ अब ये सही होगा। तो सातवें नंबर पर आएगा उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, ये आपका कौन सा सोपान कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा छठा सोपान। और उसके बाद में आज सातवां सोपान, है ना, कितने हो गए भी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अब आएगा आपके आठवां सोपान, है ना, ये सात सोपान, नौ सोपान आपको टोटल याद रखने, सात मैंने आपको लिखवा दिया। आठवें नंबर पर जो आएगा आपके निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, वो आता है आपके निर्णय की साधना। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि मैं ये निर्णय ले रहा हूं और इससे ये चीज का निर्माण हो जाएगा और ये उपयोगी भी होगा, है ना। निष्कर्ष पर पहुंचते हुए मैं एक निर्णय लेना पड़ता है, इसको कहा जाता है निर्णय की साधना। आठवें नंबर पर व्यक्ति डिसीजन ले लेता है, निर्णय की साधना। आठवें नंबर पर जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा आपके निर्णय की साधना। और अंतिम जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो होता है आपके अनिश्चितता को स्वीकार करना। आठवें नंबर पर कि हमने निर्णय ले लिया ये सही है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई दुविधा आए, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसमें ये दिक्कत आ सकती है, अनिश्चितता कुछ भी हो सकती है, तो कि ये सफल होगा या असफल होगा, इसको स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अनिश्चितता को स्वीकार, निर्णय ले लिया बस अप्लाई करना है, अब करना है या तो सफल होगा या फिर असफल होगा, दोनों में से एक चीज आएगा, सफल होगा तब भी स्वीकार्य है और असफल होगा तब भी अस्वीकार्य, अभी ये अनिश्चित है कि होगा क्या। तो इसीलिए इन्होंने अंतिम सोपान बताया अनिश्चितता को स्वीकार करना, अनिश्चितता को स्वीकार करना।
स्वीकार करना। क्लियर। ये आपके 9 सोपान जो है वो किसके कहलाएंगे मेरे दोस्तों? रिली तथा लेविस के अनुसार माने जाएंगे। तो आपको यहां सोपान के बारे में दो चीजें याद रखनी है। यदि आपको सामान्य सोपान पूछ ले तो चार याद रखने हैं, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। और रिली तथा लेविस के अनुसार पूछ ले तो कितने याद रखने? 9 याद रखने। समस्या का प्रत्यक्षीकरण, परिवर्तन, निर्णय निलंबित, उद्भवन का प्रभाव, किसी एक विचार में बंध जाना, परिणाम की अटकलबाजी, उत्कम निष्कर्ष का चयन करना, निर्णय की साधना करना या अनिश्चितता को स्वीकार करना। अंदर से तो कोई प्रश्न आए ना आए, लेकिन यह जरूर आपको पूछ सकते कि रिली तथा लेविस के अनुसार जो है आपके ये सोपान कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोपान कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये आपके 9 प्रकार के जो है रिली और लेविस ने बताए। बाकी सामान्य जो सोपान है वो कितने माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके 4 पे। कितने सोपान माने जाते हैं? 4। यहां तक मेरे हिसाब से एक बार आपको समझ में आ गया होगा, एक बार यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा। देखो अभी तक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, आज का आज खत्म करने के लिए मुझे 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो मैं 2.5-3 घंटे की तो क्लास मेरी भी हिम्मत नहीं लेने की, 1 घंटे की जरूर लूंगा, है ना। ये पढ़ लिया अपन, प्रकार और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन को इनकी सारी की सारी विशेषताएं पढ़नी है। विशेषताएं पढ़ने के बाद सृजनात्मकता का बुद्धि के साथ में संबंध क्या क्या है वो पढ़ने, उसके बाद में सृजनात्मकता के पहलू पढ़ने, उसके बाद में सृजनात्मकता के मापन पढ़ने, उसके बाद में सृजनात्मक बालकों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, उनकी विधियां कौन कौन सी होती है वो पढ़नी है। ये सारी चीजें अभी तक अपन को पढ़नी बाकी है। आज तो केवल टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हो जाएगा। सृजनात्मकता की एक क्लास और लगेगी कम से कम 1.5-2 घंटे की, है ना। आज तो आपकी ये हो जाएगी, कल मैं और लूंगा क्लास, उसमें आपके भले सृजनात्मकता को लगभग अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटे से ज्यादा लंबी क्लास मेरे हिसाब से थ्योरी वाली देखने में भी दिक्कत थोड़ी सी आ जाएगी। मैं तो पढ़ा दूंगा, देखो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई समस्या नहीं। एक चीज अपन और पढ़ लेते हैं, वो है सृजनात्मकता के प्रकार। कितने प्रकार की सृजनात्मकता होती है? सृजनात्मकता के प्रकार, सृजनात्मकता के प्रकार। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि सृजनात्मकता 3 प्रकार की होती है। सामान्य तौर पर सृजनात्मकता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार की। एक कौन सी होती है? पहले नंबर पर आती है जिसको कहते हैं अपन आकस्मिक सृजनात्मकता। आकस्मिक आकस्मिक सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। देखो अब इसके अंदर एक होती है आपके जिसको कहा जाता है सहज सृजनात्मकता, सहज सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। और एक जो है उसको कहा जाता है संरक्षणात्मक सृजनात्मकता, संरक्षणात्मक सृजनात्मकता। टोटल सृजनात्मकता कितने प्रकार की हो गई? तो टोटल सामान्य तौर पर सृजनात्मकता को अपन 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं कि 3 तरह की सृजनात्मकता पाई जाती है। भाई कितने प्रकार की सृजनात्मकता पाई जाएगी? 3 प्रकार की पाई जाती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है आपके आकस्मिक सृजनात्मकता, एक होती है आपके सहज सृजनात्मकता और एक होती है आपके संरक्षणात्मक सृजनात्मकता। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आकस्मिक सृजनात्मकता क्या होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रिया के दौरान स्वतः कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है। एक्सीडेंटल क्रिएटिविटी एक प्रकार से, है ना, एक संयोगवश यदि किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है जो उपयोगी हो, तो संयोगवश जब ऐसी कोई क्रिया होती है तो उसको अपन कहते हैं आकस्मिक सृजनात्मकता। सहज में क्या होता है? तो सहज में आपको तुरंत विषय पर कुछ रचना करनी होती है, तुरंत विषय पर रचना, कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको कोई एक चीज ऐसी कही जाएगी जिसके ऊपर आपको उसी वक्त क्या करना है मेरे दोस्तों? रचना बनानी है। जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, लिखो इसके ऊपर कविता। अब आप जो यहां पे सृजन करोगे वो कौन सा सृजन कहलाएगा? तो वो आपके सहज सृजन कहलाएगा। आकस्मिक जो होता है ये तो कैसी होती है दोस्तों? संयोगवश सृजन। क्या लिखेंगे अपन? संयोगवश सृजन।
आकस्मिक का मतलब तो क्या हो जाएगा, कैसे सृजन होगा, संयोगवश। लेकिन सहज में क्या होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और तुरंत उस टॉपिक के ऊपर किसी एक चीज का आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, निर्माण करना है। यह आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पर आएगी मेरे दोस्तों संरक्षणात्मक सृजनात्मकता। संरक्षणात्मक संरक्षण सृजनात्मकता क्या चीज होती है, तो इसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके किसी चीज का निर्माण किया जाता है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो पूरे भविष्य में को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा जिस भी चीज का निर्माण किया जा रहा है वो एक प्रकार की संरक्षणात्मक सृजनात्मकता है भावी पीढ़ियों के लिए, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि भावी जीवन को ध्यान में रखकर, भावी जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए किया गया सृजन, किया गया सृजन, किया गया सृजन क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, तो भावी जीवन के लिए किया गया सृजन जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, आपके संरक्षणात्मक सृजनात्मकता कहलाएगी। तो आपको पूछ ले कि बताओ सृजनात्मकता कितने प्रकार की होती है, तो सृजनात्मकता तीन प्रकार की होती है। एक होती है आकस्मिक जो संयोगवश होती है, एक होती है सहज जिसमें किसी तुरंत टॉपिक पर रचना करनी होती है, और एक होती है संरक्षणात्मक सृजनात्मकता जिसमें भावी जीवन को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, निर्माण किया जाता है। एक बार अपन आज की क्लास में जो जो पढ़ा उनको रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो है अपन आगे चलेंगे, है ना। सबसे पहले अपन ने स्टेटमेंट्स पढ़े थे, और स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी मेरे दोस्तों कि सृजनात्मकता क्या चीज होती है। हमने टर्मन की परिभाषा से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा था कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन करना ही एक प्रकार की सृजनात्मकता है। रूस कहता है कि सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी क्रिया के दौरान घटित हो सकती है। स्किनर ने इसको साहसिक चिंतन कहा है, बर्टलैंड ने इसको परिणामों को व्यक्त करने वाली एक मानसिक क्रिया कहा है, स्टेन या दूसरे नंबर पर विकल्प में आपको बर्ट को भी ध्यान रखना है, पहले नंबर पर केवल स्टेन को ही ध्यान रखना है, बर्ट नहीं, वैसे ये स्टेन की परिभाषा ही है कि किसी प्रक्रिया का परिणाम नवीन तथा उपयोगी हो तो वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। रोजर रस्टीन ने सृजनात्मकता को उत्पादन कहा है, टॉरेंस ने सृजनात्मकता को एक प्रक्रिया माना है, डार्विन ने सृजनात्मकता को जीवन शक्ति कहा है, नील्से ने सृजनात्मकता को एक पागलपन कहा है, कांट ने सृजनात्मकता को अंतर्ज्ञान कहा है, प्लेटो ने सृजनात्मकता को दैवीय प्रेरणा कहा है, जॉन ड्यूवी ने सृजनात्मकता को एक उत्तम कला कहा है, और बेरन ने सृजनात्मकता को एक मौलिकता के रूप में कहा है। ये हमने स्टेटमेंट्स पढ़े थे जो हमें क्या रखने हैं मेरे दोस्तों, याद रखने हैं। उसके बाद अपन बात करते, उसके बाद अपन ने सृजनात्मकता के सोपान पढ़े थे कि इनके चरण क्या होते। सामान्य चरण इनके चार माने जाते हैं। पहला तैयारी आयोजन या इसको प्रस्तावना कहा जाता है जिसमें तथ्यों का संकलन होगा। दूसरा उद्भवन या विश्रांति होता है जिसमें समाधान न मिलने पर व्यक्ति चिंतन करना बंद कर देता है। तीसरे नंबर पर प्रबोधन या प्रभाषण आता है जिसके अंतर्गत समस्या समाधान का एक सही विचार आ जाता है। और चौथे नंबर पर आता है प्रमाणीकरण या सत्यापन जिसमें परिणामों को संशोधित करते हुए हम उसको संवारते हैं। रिली तथा लेविस के अनुसार आपके 9 प्रकार बताए गए हैं। समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना, समस्या का परिवर्तन, निर्णय निलंबित करना, उद्भवन का प्रभाव, किसी एक विचार में बंद जाना, परिणामों की अटकलबाजी, उत्तम निष्कर्ष का चयन करना, निर्णय की साधना करना और अनिश्चितता को स्वीकार करना। ये 9 प्रकार आपके जो बताए गए हैं वो किसके द्वारा बताए गए मेरे दोस्तों, रिली तथा लेविस के द्वारा बताए गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सृजनात्मकता के प्रकार। सामान्य तौर पर सृजनात्मकता को अपन 3 रूप में मानते हैं। पहली आपके आकस्मिक सृजनात्मकता जो एक संयोगवश होती है, एक सहज सृजनात्मकता जो तुरंत विषय पर जिसकी रचना की जाती है, और एक होती है आपकी संरक्षणात्मक सृजनात्मकता जिसमें भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए इसका क्या किया जाता है दोस्तों, निर्माण किया जाता है। अभी तक अपन को बहुत पढ़ना है मेरे दोस्तों, इसकी विशेषताएं पढ़नी है, बालकों की विशेषताएं पढ़नी है, बुद्धि के साथ में सृजनात्मकता का संबंध पढ़ना है, सृजनात्मकता के पहलू पढ़ने हैं, सृजनात्मकता के सिद्धांत पढ़ने हैं, सृजनात्मकता के मापन पढ़ने हैं। अभी समय लगेगा इसमें 1-2 क्लास का और, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लास और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है ना, जब पढ़ रहे हैं तो टॉपिक को पूरा पढ़ रहे हैं, है ना। 2-3 क्लास का मैटर मुश्किल से आपके साइकोलॉजी में रहा है, बाकी साइकोलॉजी आपके लगभग खत्म हो चुकी है। मैं इसको 3 घंटे तक आज ले सकता था कि बढ़िया लेकिन मुझे भी एनर्जी इतनी लग नहीं
नहीं रही है, मेरे में भी जोश इतना आ नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे नहीं, एक क्लास और ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें जाकर के अपन पढ़ लेंगे। वैसे अगली क्लास में सृजनात्मकता आपकी खत्म हो जाएगी, यानी कि कल दिवाली है, कल मैं क्लास लेता हूँ तो आपकी सृजनात्मकता आपकी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में एक छोटी सी क्लास आधे पौन घंटे की और रहेंगी, जिसमें अलाभान्वित समस्यात्मक और विकलांग बालकों की कुछ परिचय अपन को चर्चाएं वगैरह करनी है, वो कल की क्लास में या परसों की क्लास में कर लेंगे, या फिर कल जो है मैराथन क्लास वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे जिसके अंतर्गत आपके कंप्लीट हो जाएगी, या एक दिन में दो क्लास डाल देंगे जिसकी वजह से आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि अभी तक सृजनात्मकता कंप्लीट नहीं हुई, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।